दोस्तों, आपके मन में हमेशा ये सवाल आता होगा जब भी आपके घर में बिजली बिल आता होगा कि आखिर हम जब कूलर गर्मी में चलाते हैं तो इसका जो पर डे बिजली की खपत है वो कितना है। आखिर ये एक दिन चलता है कूलर तो कितना यूनिट बिजली की खपत करता है। तो आज मैं इसका आपको मतलब लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा और सारा डाउट आपका आज एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लाइव टेस्ट के लिए हमने देखिए एक मीटर लगा लिया है, 3 पिन सॉकेट भी इससे कनेक्ट कर लिया है। बहुत मीटर कनेक्शन जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। ये इन वाली सप्लाई है और ये आउट वाली सप्लाई है, ठीक है। तो मीटर को हमने देखिए चालू कर दिया है, अभी ये मतलब बिना लोड के चल रहा है और इस समय रीडिंग है 897.6 है ना, ठीक है ना। तो अभी इसमें लोड नहीं दिया गया है, तो चलिए अब हम कूलर का लोड देते हैं। तो जब हम कूलर का लोड देंगे तो यहाँ पर हम टाइमर भी चलाएंगे। कूलर का प्लग हमने इस सॉकेट में लगा दिया है, तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम उससे पहले क्या करेंगे, जो रीडिंग इस समय है उसको हम नोट करके ऊपर कागज़ में हम लिख देंगे और उसके बाद इसे हम 1 घंटे चलाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि 1 घंटे के बाद ये कितना रीडिंग लेता है। तो चलिए फिर अब हम लोड देते हैं। तो ये हम यहाँ से कूलर का स्विच ऑन करेंगे और देखिए यहाँ पर लाइट देखिए चालू हो गई है और इसको भी टाइमर भी हम यहाँ पर चालू कर दे रहे हैं। ये देखिए टाइमर को भी हमने चालू यहाँ पर कर दिया है और मीटर भी देखिए। अब लाइट देखिए आपको ये जो कॉलिंग वाली जो लाइट है ये आपको लप लप करते हुए दिखाई देगी, जलेगी बंद होगी, देखिए अभी जलेगी, ये देखिए जल गई, मतलब कॉलिंग चालू हो गई है, इसका मतलब लोड हमारा एकदम चालू है। ये देखिए कूलर चल रहा है, थोड़ी सी मैं हवा ले लेता हूँ, बहुत गर्मी है। तो इस कूलर को अब हम 1 घंटे तक कंटिन्यू चलाएंगे और देखेंगे कि ये कूलर 1 घंटे में कितना यूनिट की बिजली की खपत करता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता दूं, इस कूलर का जो एग्जास्ट है 230 वाट का है, ठीक है। कूलर में जो एग्जास्ट लगा होता है वो 19-20 कम ज़्यादा वाटेज का होता है, किसी का हो सकता है 250 वाट का हो, तो ये हमारा 230 वाट का है, तो उसी हिसाब से ये इसका जो यूनिट है वो चलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, अभी लगभग 2.5 मिनट हो रहा है, तो चलिए अब हम 10 मिनट के बाद फिर से आपको दिखाएंगे। 16 मिनट हो गए हैं दोस्तों 30 मिनट हो गए हैं। तो दोस्तों, अब हमारा 1 घंटा देखिए होने वाला है, अब कुछ ही सेकंड बचे हैं। जैसे ही 1 घंटा होगा हम कूलर को बंद कर देंगे। चलिए 1 घंटा हो गया, कूलर को हमने बंद कर दिया है और इसको भी हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम मीटर में देखेंगे और रीडिंग लिखेंगे, तो इस समय रीडिंग है 897.8 और पिछली रीडिंग हमारी थी 897.6। तो ये देखिए इसको हमने माइनस कर दिया है, इस समय की रीडिंग हमारी है 897.8 और पिछली है 897.6। तो माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 0.2 यूनिट, यानी कि कूलर जब 1 घंटे चला है तो इसने 0.2 यूनिट बिजली बिल मतलब कंज्यूम किया है, ठीक है। तो 1 घंटे में 0.2 है, तो अगर हम कूलर को 5 घंटे अगर चलाएंगे तब जाकर ये कूलर हमारा 1 यूनिट बिजली की खपत करेगा, ठीक है ना, यानी कि 5 घंटे में 1 यूनिट। तो अगर हम कूलर को
एक दिन में लगभग 20 घंटे चलाते हैं, और नॉर्मली लोग चलाते भी होंगे क्योंकि दिन में भी लोग कूलर चलाते हैं, रात में भी चलाते हैं। तो लगभग अगर हम 20 घंटे लेकर चलें, यानी 24 घंटे में 20 घंटे अगर हम इस कूलर को चलाएंगे, तो बिजली बिल हमारा कितना आएगा? 5 घंटे में 1 यूनिट है, तो 20 घंटे में हो जाएगा 4 यूनिट, यानी कि एक दिन में ये कूलर 4 यूनिट बिजली की खपत करेगा। तो देखिए दोस्तों, 20 घंटे में 4 यूनिट, यानी कि एक दिन में 4 यूनिट बिजली की खपत करता है कूलर, तो इसका बिजली बिल कितना आएगा एक दिन में? अगर हम 6 रुपये प्रति यूनिट अगर हम बिजली बिल अगर लेकर चलें, तो 4 यूनिट का हो जाएगा 6 चौको 24, यानी कि एक दिन में 24 रुपये इस कूलर का बिजली बिल आएगा। ठीक है ना, ये हम 4 यूनिट का लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 24 रुपये आएगा अगर आप एक दिन में 20 घंटे कूलर चलाते हैं। तो अब आप इसी हिसाब से अपना समझ लीजिए, अगर आप एक दिन में 10 घंटे चलाएंगे तो बिजली बिल हमारा कितना आएगा? 24 का आधा कर देंगे तो 12 रुपये आएगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से बिजली बिल हमारा आता है, जितना हम उपकरण को चलाएंगे, जितने घंटे चलाएंगे, उसी हिसाब से बिजली बिल आता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।